हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल। तो यार आज हम लोग बात करेंगे वैन हेल्सिंग, जो कि एक मूवी है। ये 2004 में रिलीज हुई थी। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। मूवी की ओवरऑल लेंथ 2 घंटे 11 मिनट की है। और जब आप लोग इस मूवी को 2021 यानी कि आज प्रेजेंट में भी देखते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये मूवी जब 2004 में रिलीज हुई थी तो ये अपने वक्त से कहीं ज़्यादा आगे की थी। और सीरियसली ये उन मूवीज़ में से भी एक है जो अंडररेटेड है मेरे हिसाब से। और इस पर्टिकुलर मूवी का सीक्वल भी बनना चाहिए था, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं बना। तो आई होप कभी ना कभी तो इसका सीक्वल हमें देखने को मिल जाएगा, और उसमें हम चाहते हैं कि इसमें ह्यूग जैकमैन ही हो, क्योंकि उनसे अच्छा वैन हेल्सिंग का रोल कोई प्ले कर ही नहीं सकता। बात करें इस मूवी के प्लॉट की, जो कि स्टार्ट होता है 1887 से, जहाँ पर हमें नजर आता है काउंट ड्रैकुला। लेकिन हम लोग ड्रैकुला पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड जो चीज़ें बताएगी स्टार्टिंग में, वो आप लोग खुद मूवी में देख लेना। हम लोग बात करेंगे गैब्रियल वैन हेल्सिंग से, जो कि एक मॉन्स्टर हंटर है। खैर अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है, जब वेटिकन सिटी का एक फादरी वैन हेल्सिंग को बोलता है कि रोमानिया ट्रांसिल्वेनिया में एक ड्रैकुला है जो कि पिछले 400 साल से भी ज़्यादा वहाँ पर है और वो तबाही मचा रहा है। और ट्रांसिल्वेनिया के जो राजा थे वेलेरियस, उन्होंने कसम खाई थी कि वो किसी भी हाल में काउंट ड्रैकुला को पकड़कर मारेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 400 साल से ज़्यादा हो चुके, और वेलेरियस परिवार में जितने भी पीढ़ी आई है वो कोई भी ढूंढ ही नहीं पाया कि भाई ड्रैकुला आखिर रहता कहाँ है। अब इस वेलेरियस परिवार में दो ही लोग बचे, एक तो प्रिंस वेल्कन और प्रिंसेस एना। तो इसीलिए वो फादरी वैन हेल्सिंग को ट्रांसिल्वेनिया भेजता ताकि वो की हेल्प करे उस ड्रैकुला को मारने के लिए। तो अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये पर्टिकुलर मूवी देखनी पड़ेगी। खैर बात करेंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पर हॉरर प्लस एडवेंचर इन दोनों का एक परफेक्ट मिक्स देखने को मिलेगा। अगर आप लोग वो मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जहाँ पर आपको मॉन्स्टर भी देखने को मिले, ड्रैकुला भी देखने को मिले, वैम्पायर्स भी देखने को मिले, वेयरवुल्फ्स भी देखने को मिले, बड़े कासल्स भी देखने को मिले, तो यार ये मूवी बिल्कुल आप लोगों के लिए। मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ ही कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन उनको इस पर्टिकुलर मूवी में बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया है। और जैसे जैसे ये मूवी प्रोग्रेस करती है, वैसे वैसे हम उन कैरेक्टर्स के थ्रू काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी विटनेस करते हैं जो फिक्शनल है, रियल लाइफ में हो नहीं सकती, लेकिन वो इतनी रियल लगती है कि वो आप कहीं ना कहीं एक अलग जोन में पहुंच जाते हो। और मैं एक चीज़ बता दूं कि ये मूवी इतनी फास्ट पेस्ड है कि जैसे ये मूवी स्टार्ट होती है वहाँ से आपको पलक झपकने का भी मौका नहीं मिलता, और ये मूवी कब ख़त्म हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता है। मूवी की सिनेमाग्राफी बहुत ही शानदार है, स्पेशली जो अंधेरे के सीन्स है उसको इतनी अच्छी तरह से शूट किया है, और जो गजब के VFX बताए हैं वो यार माइंड ब्लोइंग VFX आपको यहाँ पर विटनेस करोगे। और एक भी VFX पूरी मूवी में आपको बचकाने नहीं लगते। जब कोई एक्टर वेयरवुल्फ बन रहा है, या कोई ड्रैकुला अपने रियल फॉर्म में आ रहा है, या वो वुमेन्स जो वैम्पायर्स है और वो लोग जो अपने वैम्पायर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यानी कि ये सारी चीज़ें आपको कहीं से भी ऐसी लगती नहीं कि यार एकदम फेक है। रियलिस्टिक वे में वो VFX यूज़ किया, वो भी 2004 में, इसलिए हॉलीवुड को लोग मानते हैं। और ये मूवी अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखा तो भाई यू आर मिसिंग समथिंग वेरी बिग। मूवी का BGM हाईलाइट ऑफ द मूवी, स्पेशली जब वैन हेल्सिंग की एंट्री होती है और उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजती है और उसमें जो गिटार प्ले होता है, यार वन ऑफ द बेस्ट BGM आप पूरे वर्ल्ड में जितनी भी मूवीज देखोगे ना, तो इस पर्टिकुलर मूवी का बेस्ट BGM है। और परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो यार एकदम परफेक्ट कास्टिंग, हर एक एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को बहुत अच्छी तरह से किया, लेकिन ह्यूग जैकमैन और केट बेकिंसेल इन दोनों ने अपने रोल को इतना बिलीवेबल वे में प्रेजेंट किया कि इन दोनों की जगह इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज में कोई ले ही नहीं सकता है। और एक एक्टर की तारीफ करनी पड़ेगी, रिचर्ड रॉक्सबर्ग, जिसने यहाँ पर ड्रैकुला का रोल प्ले किया, यार एकदम गजब। जब उनको आप स्क्रीन पर देखते तो ऐसा लगता है यार वाकई में अगर ड्रैकुला होता रियल लाइफ में तो भाई बिल्कुल इसी तरह से होता। वो एक बॉडी लैंग्वेज और जिस तरीके से उसका डायलॉग्स बोलने का तरीका, मैंने उसको इंग्लिश में देखा इस मूवी को, एकदम नेक्स्ट लेवल। फिलहाल मूवी की एडिटिंग बहुत अच्छी है और जो फाइट सिक्वेंस है यार वो जान है। और स्पेशली यहाँ पर जब वैन हेल्सिंग उन वैम्पायर से लड़ता है, या मिस्टर हाइड जो कि आपको एक हल्क जैसा बंदा है जो आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा, तो जब भी वैन हेल्सिंग की कोई भी फाइट सीक्वेंस आप देखोगे ना, तो वो इतने गजब के कोरियोग्राफ किए हैं कि मतलब आप खो जाते हो, आप बस स्क्रीन पर ही देखते हो। ये इस पर्टिकुलर मूवी की सबसे अच्छी बात है, मेरे लिए ये वन ऑफ दी अंडररेटेड मूवीज में से एक है। और मुझे पर्सनली इसमें कुछ भी नेगेटिव फील हुआ, पैरेंटल गाइडेंस की बात करो तो यहाँ पर आपको किसिंग सीन देखने को मिल जाएंगे, तो इस वजह से ये आप फैमिली के साथ मत देखना। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 10 out of 10, वन ऑफ दी बेस्ट यूनिक एंटरटेनिंग मूवीज एवर आई हैव सीन। यार वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अगर आप लोग ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो, ड्रैकुला बॉर्न कब हुआ था और उसकी डेथ कब हुई थी, कौन से ईयर हुई थी, मतलब
जो इसका सही जवाब देगा उसको शाउट आउट मिलेगा। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।